को T20 के शूरवीर रिंकू सिंह ने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाते हुए अंतिम T20 में मचाया हाहाकार। शतक जड़कर रच दिया नया इतिहास। तो आखिर कैसे अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से रिंकू बन गए बांग्लादेश के लिए यमराज? कितनी गेंद में रिंकू ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे रिंकू बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशत गर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह सूर्य और हार्दिक में कौन सबसे महान खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम पहला T20 मुकाबला ग्वालियर के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद दूसरा T20 मैच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में 86 रनों से विजय हासिल की और अब दोनों टीमें हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जा पहुंची। यहां सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला शुरू हुआ जहां बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर रही थी। हमने एक के बाद एक चार बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त रिंकू सिंह ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर रिंकू की मुरीद हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, बांग्लादेश के जज्बे पर रिंकू का जिगरा भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज रिंकू तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सिर पर तो खून सवार था, उन्होंने गेंदबाजी करने आए। मेहंदी हसन मिराज की लगातार चार गेंदों पर तीन खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में रिंकू ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी क्योंकि रिंकू सिंह का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस T20 मैच को T10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा महज 22 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल T20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल रिंकू रिंकू ही सुनाई दे रहा था। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो रिंकू को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन रिंकू इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब रिंकू का बल्ला गरजा तो उनके सामने बांग्लादेश थर थर कांप उठी। पर रिंकू टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। तस्कीन अहमद से लेकर मेहंदी हसन, यहां तक कि शाकिब अल हसन सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए रिंकू सिंह अपने पहले इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका बांग्लादेश के पास आया। शाकिब की गेंद पर रिंकू ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी, ऐसा लगा था कि फील्डर उस कैच को कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। रिंकू का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक लहर दौड़ गई और दोस्तों, चले पर नमक छिड़कते हुए रिंकू सिंह ने गेंदबाज की अगली गेंद पर स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने तस्कीन अहमद के ओवर में, जिनके खिलाफ एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार चार गेंद पर चार खौफनाक छक्के जड़कर वो 98 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपने शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 2 रन दौड़कर सेंचुरी पूरा कर लेंगे, लेकिन रिंकू ने ऐसा कुछ नहीं किया बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने तस्कीन के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सिर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का रिंकू ने ठोका जो गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी। और इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, केवल 45 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर रिंकू ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, T20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से रिंकू सिंह ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लगभग लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 10 खौफनाक छक्के लगाए थे जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया था। इसी के साथ रिंकू ने भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना लिया जिसे हासिल करना आज तक किसी के भी बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि रिंकू ने तो अंतिम T20 मुकाबले से ठीक पहले बांग्लादेश के खिलाफ इस प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो सोचिए, जब प्रैक्टिस में ही उनका तूफान ऐसा था तो असली मुकाबले में तो वो क्या ही धमाल मचाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह, हार्दिक और सूर्य में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। तीसरे T20 में भी बांग्लादेश को धूल चटाने के लिए कप्तान सूर्य ने गुस्से में बदल डाली पूरी प्लेइंग 11। तो किन बदलावों के साथ सूर्य ने तैयार किया खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ ही बांग्लादेश के खिलाफ कब खेला जाएगा तीसरा T20 मुकाबला, इसके लाइव अपडेट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे इस वीडियो में भारतीय टीम की प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, कंडीशन और मौसम के हाल सबके बारे में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है,
कि बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले को भी टीम इंडिया जीत पाएगी या नहीं, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले 2 मैच समाप्त हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय टीम ने पहले मैच ग्वालियर के मैदान पर खेला था, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम को 127 रन पर ऑल आउट कर दिया और इस लक्ष्य को मात्र 12 ओवर के अंदर 3 विकेट खोने के साथ हासिल कर लिया और 7 विकेट से भारत इस मैच को जीत गया। जिसके बाद दूसरा मैच जब खेला गया तो इस मैच के अंदर बांग्लादेश की टीम ने दिल्ली के मैदान पर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया और भारत ने 221 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए। हालांकि इसका पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम 135 रन पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम इस मैच को 86 रन से जीत गई और सीरीज को अपने नाम कर लिया। इसके बाद अब अंतिम मैच में क्लीन स्वीप करने के इरादे से भारतीय टीम उतरने वाली है। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा और अंतिम टी20 मैच हैदराबाद के मैदान पर खेला जाने वाला है, तो आइए इस मैच के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 के रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच 16 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम को 14 मैच में जीत मिल गई है। इसके अलावा एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। इतना नहीं, भारतीय सरजमी पर दोनों टीम के बीच 5 मैच खेले गए और 5 मैच के अंदर भारतीय टीम को जीत मिली है। ऐसे में आंकड़ों के अनुसार भारतीय टीम का सामना करना बांग्लादेश की टीम के बस की बात नहीं है। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच अंतिम टी20 मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला जाने वाला है, जिसकी पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यहां पर बल्लेबाजों को काफी ज्यादा फायदा मिलता है और यह सतह बिल्कुल फ्लैट रहती है, जिस पर गेंदबाजों को ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। ऐसे में यहां पर जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला ड्यू को ध्यान में रखते हुए लेगा। तो वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले अंतिम मैच में बारिश के हालात के बारे में बात करें तो बारिश की संभावना इस मैच के अंदर ना के बराबर दिखाई दे रही है और पूरा मैच आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों हैदराबाद के स्टेडियम में अभी तक 5 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं, जहां पर 3 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं तो वहीं 2 मैच बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। इसके अलावा इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर भी 189 रन है, तो वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच इस मैदान पर मात्र 1 मैच खेला गया, जो साल 2019 में खेला गया था और इस मैच में भारतीय टीम को 8 विकेट से जीत मिली थी। ऐसे में यहां पर यह मैच काफी ज्यादा रोमांचक देखने को मिल सकता है। दोस्तों दोनों टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो भारत के सामने बांग्लादेश की टीम अपने मजबूत खिलाड़ियों को मैदान पर उतारने वाली है, वहीं जहां बांग्लादेश की टीम की तरफ से परवेज हुसैन और लिटन दास पारी की शुरुआत करेंगे तो वहीं मध्यक्रम में कप्तान नजमुल हुसैन, संतो तौहीद हिरदोई और जाकिर अली खेलते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं ऑलराउंडर के रूप में रिसाद हुसैन, महमदुल्ला और मेहंदी हसन मिराज को खेलने का मौका मिलेगा। तो वहीं तेज गेंदबाज के तौर पर तंजीम हसन, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान भी अपनी इज्जत आखिरी मैच में बचाने के लिए उतरेंगे। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से यहां पर ओपनिंग करने के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दिखाई देने वाले हैं, जहां पर संजू सैमसन विकेटकीपर की भूमिका भी निभाते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए अब कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर नजर आएंगे। इतने नहीं, अब इनका साथ देने के लिए मध्यक्रम में फिर से रिंकू सिंह को फिनिशर बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया जा रहा है। इतने नहीं, ऑलराउंडर के तौर पर तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी को शामिल किया गया, जो अपनी शानदार बल्लेबाजी और स्पिन गेंदबाजी के तौर पर रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती को खेलने का मौका मिलने वाला है। इसके अलावा तेज गेंदबाज के तौर पर हर्षित राणा का साथ देने के लिए मयंक यादव खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच ये मैच आप टीवी पर स्पोर्ट्स 18 चैनल पर देख सकते हैं, तो वहीं इसका हिंदी में लाइव प्रसारण रिश्ते सिनेप्लेक्स चैनल देने वाला है। तो वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में इसका लाइव प्रसारण आप जियो सिनेमा ऐप कई भाषा में करने वाला है। इस मैच का लाइव प्रसारण आप हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, भोजपुरी, पंजाबी और तमाम भाषा में देख सकते हैं। आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मैच 12 अक्टूबर को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम पर खेला जाएगा, जो भारतीय समय अनुसार रात 7 बजे से प्रारंभ होगा और इसकी लाइव कवरेज 6 बजे से हो जाएगी। तो वहीं 6:30 बजे टॉस होगा और 7 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम अंतिम मैच के अंदर शानदार तरीके से जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अभी रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को दुनिया का सबसे खतरनाक प्लेयर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों नीतीश रेड्डी ने अपने तूफानी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से पहले भारत को दिलाई ऐतिहासिक जीत, तो फिर अपना अवार्ड रिंकू सिंह को देकर दिखाई खेल भावना की ऐसी सच्ची मिसाल, जीता हर किसी का दिल। यहाँ तक कि नीतीश की इस महानता पर तो बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी इस खिलाड़ी के दीवाने हो चुके हैं, तो एक एक दिग्गज ने क्या कहा। यहाँ तक कि धोनी ने भी हर किसी के बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और नीतीश रेड्डी में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों टेस्ट के बाद अब भारतीय टीम ने बांग्लादेश को टी20 सीरीज में भी धूल चटाकर 2-0 से बढ़त हासिल कर ली है। जी हां, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टी20 मुकाबला ग्वालियर के मैदान पर खेला गया।
इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसके बाद यह कारवां दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जा पहुंचा। यहां पर दोनों टीमों के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले को भी भारतीय टीम ने 86 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर